सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। कैसे हो आप सब मेरे अजीज़? तो मैं इस समय उड़ीसा के भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे हूँ और काफ़ी मुझे पता चल रहा था कि यहाँ से काफ़ी लोग हैं जो मुझे बुलाना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी किसी घर नहीं आया। एक्चुअली क्या है, मैं रांची से दिल्ली जा रहा था, तो कनेक्टिंग फ्लाइट है ये, तो परमेश्वर की उपस्थिति हुई कि मैं इस एयरपोर्ट पर रुकूँ। ये फर्स्ट टाइम है मेरा उड़ीसा, टू टाइम है यानी कि दूसरा टाइम है मेरा ये। मैं उड़ीसा में आया था बरबिल में, तो उस जगह प्रार्थना आपने देखी होगी वीडियो, लेकिन यहाँ पर मेरा आना फर्स्ट टाइम है इस एयरपोर्ट पे, क्योंकि मैं रांची से ही वहाँ पर गया था बाय रोड, तो रांची से वो लोग लेने आए थे, तो जिस कारण से मैं रांची पर ही रुका था और रांची से ही वहाँ गया और 3 दिन वहाँ रुका। लेकिन यहाँ पर रुकना एक बहुत अलग बात है और बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। फिर ऐसे तो परमेश्वर धन्यवाद हो। और मैंने कहा ना कि उड़ीसा मेरा ये सेकंड बार है और मैं रांची से उड़ीसा गया था पहले, लेकिन अब भी रांची से मुंबई, मुंबई से भुवनेश्वर, और इस जगह पे लाने का उद्देश्य परमेश्वर का यही है कि अगर आप भुवनेश्वर से हो, उड़ीसा से हो, तो प्रभु ने मुझे ये एयरपोर्ट दिखाया है। इस एयरपोर्ट का खास देखना ये था कि मैं देख रहा था कि एयरपोर्ट कैसा है और फ्लाइट ही मेरी यहाँ से जाएगी। अभी मुझे 6 घंटे पैक करना था, लेकिन अभी 2 घंटे तो मैंने लाउंज में बिताए और 1.5 घंटा तब मुझे, क्योंकि देखो मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है, आपको पता है कि जब भी टाइम मिले परमेश्वर की महिमा करो। मैं खाली टाइम, मेरा कोई खाली टाइम नहीं है, जो टाइम है वो सब परमेश्वर का है, जो टाइम है वो सब परमेश्वर का है, आप लोगों का है। और बस यही था कि मैं यहाँ से वीडियो बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ, तो परमेश्वर आपको आशीष करें। और बाकी इस एयरपोर्ट का नज़ारा आप देखेंगे तो लास्ट वीडियो के लास्ट में देखना, ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर देखो कैसे काम कर रहा है। और बस मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। मेरे से तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, जैसा कि आपको बताया गया था वीडियो में। और देखो परमेश्वर की अद्भुत योजना है, खुदा का हर कलाम, हर एक वचन सच्चा है। उन्हें कहें जाओ है ना, मेरे नाम से चेला बनाओ और जगत के अंत तक परमेश्वर की महिमा करो। खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन के तहत अपने दासों को इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा ना, कभी मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, मोस्टली पापा के साथ जाते जाता, कभी दिल्ली छोड़ के गए ही नहीं। बाई चांस हुआ साल में 2 बार, 1 बार बस इतना। लेकिन आज परमेश्वर हर जगह भेज रहे हैं, क्यों? कारण क्या है? कारण है कि वो परमेश्वर चाहते हैं कि जहाँ परमेश्वर दास से कदम पड़े वो जगह बदल जाए। हो सकता है कि आप उड़ीसा में हो सकता है आप रांची से, हो सकता है भारत के किसी कोने से, परमेश्वर उस जगह पर लेके आ रहे। अभी मैं उड़ीसा गया था है ना, और उस दौरान मैं इस एयरपोर्ट पर नहीं गया कि जब मैं रांची गया था, रांची से मैं यहाँ आया ताकि भुवनेश्वर जो जगह है जहाँ का ये एयरपोर्ट है, हो सकता है कि वहाँ पे आप रहते हो, उसके आस पास रहते हो और परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हो, तो ये परमेश्वर की योजना है। कभी मैं कलकत्ता नहीं गया, लेकिन कलकत्ता चेन्नई के एयरपोर्ट पर मैं होके आया। कई ऐसी जगह है जहाँ अभी तक मैं नहीं जा पाता हूँ है ना, प्रार्थना करने, विजिट करने, लेकिन एयरपोर्ट के द्वारा मैं उस जगह पहुँच जाता हूँ और वहीं से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी व्यक्ति वहाँ रहे परमेश्वर बड़े काम करेगा। हालेलुया, तो एक बहुत बड़ी परमेश्वर की ब्लेसिंग है। मैं यही कहूँगा मेरे जीवन, अगर आप उड़ीसा से हो या आप भुवनेश्वर से हो, तो आप मुझे जरूर फोन करें, आप नेक्स्ट मीटिंग आपके घर पर, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, आपको बरकत देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सेम रहे। हमें आई मैं प्रार्थना करूँगा पिता परमेश्वर, इस जगह पर जो भी लोग है पिता, तेरे उड़ीसा में पिता, वो तेरी बिंदारी को देखे, तेरी महिमा को देखे। पिता मैं प्रार्थना करूँगा कि नेक्स्ट टाइम पिता मैं इस एयरपोर्ट से बिल्कुल घर पर जा सकूँ, और आप ऐसा कर रहे हो पिता, तू मुझे हर जगह लेके जाते हैं ताकि उनका जीवन बच जाए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज की प्रार्थना में, धन्यवाद करता हूँ आपने जो बोला आज तक वैसे ही हुआ और आगे भी वैसा ही होगा। पिता जो भी मुझे सुन रहा है उनकी ज़िंदगी सेम न रहे, वो बदल जाए पिता, और नेक्स्ट जो विजिट होगी पिता वो तेरी महिमा के साथ होगी। यीशु मसीह के नाम से हमें गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।